नमस्कार, स्वागत है आपका एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आज से करीब करीब 40 साल पहले, 50 साल पहले आई हुई फिल्म है एक, 40 साल मेरे ख्याल से हो गए, 1971-72 की फिल्म होगी। और उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अभिमान। उसमें दो बड़े ही मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने, जो बाद में जया बच्चन बनी। उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, किंतु ये फिल्म जो थी एक वैवाहिक जीवन में आने वाली कष्ट जो होते हैं उस पर आधारित थी। एक पति जो अपनी पत्नी से कम सक्सेसफुल होता है, अपने जीवन में जो करना चाहता है उससे कम हासिल कर पाता है, और उसका फ्रस्ट्रेशन किस तरह से उस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, ये आपने उस फिल्म में देखा था। और कुछ इसी किस्म का इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है मजरी के अंदर, जहाँ अगेन एक हस्बैंड है जो कि अपने करियर में उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जितना वो चाहता है। उसकी पत्नी और उसके बीच के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेंड हो जाते हैं, और जनता जो है इस फिल्म को बहुत पसंद कर रही है। इतने वर्षों बाद भी जो पति पत्नी का प्रेम है या पति पत्नी का जो क्लेश है उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। भावनाएं वही रहती हैं, चाहे पीढ़ियाँ बदल जाएँ, चाहे कुछ युग बदल जाए, किंतु दो व्यक्ति के बीच का जो अपना एक इंटरपर्सनल डायनेमिक होता है वो परिवर्तित नहीं होता है आमतौर पर। तो कुछ ऐसी ही जो है एक टाइमलेस सी स्टोरी है। और इस समय ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों जो है यदि इस फिल्म को रीमेक करने पर आ जाएं तो क्या होता है। एक ज़्यादा सक्सेसफुल हीरोइन और एक कम सक्सेसफुल हीरो, ये आमतौर पर जो है एक अजीब सा जक्स्टापोजिशन होता है। हालांकि इस समय दोनों का करियर जो है थोड़ा थमासा है। हालांकि अभिषेक बहुत ज़्यादा इस समय बटोर रहे हैं अपने फैंस की तारीफें, क्योंकि जिस तरह के रोल वो कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी दिखला रहे हैं और जो कॉमिक फ्लेयर दिखलाया है हाल फिलहाल में उन्होंने, ये चीज़ें जनता को पसंद आई हैं। किंतु सबसे बड़ी बात ये सत्य यही है कि यहाँ पर ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों के करियर थोड़े से थमे हुए हैं। अगर वो दोनों मजली के रीमेक को लेकर के सीरियस हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से हमें एक अच्छी फिल्म देखने मिलेगी, जहां दोनों कलाकारों को अपनी अभिनय क्षमता को दिखाने का एक अच्छा मौका भी मिलेगा। और ये भी सिद्ध होगा कि एक अच्छी कहानी जो है वो भाषा या प्रांत की जो है उसकी सीमाओं को तोड़ करके आगे निकलती है। अगर मजली का रीमेक हो हिंदी में और ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों एक साथ हों, आपका क्या रिएक्शन है? क्या इस तरह की एक फिल्म चल पाएगी? बताइएगा हमें ज़रूर। धन्यवाद।